तुझे जो महसूस करना है तू कर ले, तुझे जो उम्मीद बांधनी है बांध ले। अगर कल सुबह उम्मीद टूट गई तो फिर तुझे वो लड़की बननी है जो मान ट्रैक पीछे सावी सावी गोयल देखो मैं आ गया हूँ सावी बाहर यहाँ क्या है सर सावी गोयल मैं आ गया हूँ यहाँ पे तुम कहाँ हो सावी अरे तुम्हारा छतरी बता दिए पे सावी अरे मैं आया हूँ तुम्हारी नाक हमारे बीच में नहीं आएगी सावी मैं आ गया हूँ थोड़े पीछे सावी बॉलीवुड में स्वागत है। जिस तरह के आप सादगी भरी एक माँ कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, जिस तरह सादगी की लाइफ में टेंशन भी है और एक तरफ खुशी भी, कोई खुश ना खुश क्या हो रहा है, फाइनल सीन के बारे में बताएंगे। अभी जो आपने सीन देखा उसमें सादगी ये चाहती है कि वो नितिन से प्यार करती है, उनसे प्यार करती है, इसलिए वो चाह रही है कि नितिन आकर उसे माफ़ी मांगे, उसे कहे कि वो उससे प्यार करता है। माफ़ी से ज़्यादा वो दिल से चाह रही है कि नितिन सिर्फ एक बार उसे कहे कि वो उससे प्यार करता है। और नितिन को सावी के माँ को बताया कि सावी नितिन को कितना चाहती है, लेकिन एक माँ होने के नाते वो यही चाहती है कि मेरे बेटी के जीवन में सुख रहे, शांति रहे, प्यार मिले मेरी बेटी को, जैसे मानव है और मानव दिल से सावी को चाहता है, ये नूतन को पता है। इसलिए नूतन उसको समझाती है कि तुझे तू जो भी कुछ सोच रही है उसमें कुछ गलत बात नहीं है, क्योंकि सावी को एक बेट है मन में कि कल मेरी सगाई है तो मैं इसे सोच सकती हूँ क्या। तो नूतन उसे समझाती है कि इसमें कोई गलत नहीं है, मुझे जो सोचना है कुछ सोच ले बेटा, लेकिन सिर्फ आज रात तेरे हाथ में देखा जाए उसके बाद तू मानव की होने वाली है तो मानव से प्यार कर। तो वो मानव भी सीधा साधा है जो आपको भी पसंद, पूरे परिवार के पसंद है, पर ये डिवोर्स भी एक तरफ डिवोर्स भी हो गया, क्या हुआ डिवोर्स हुआ क्या ही बताना मुझे बस। डिवोर्स लेना क्यों जरूरी पड़ गया था जाना, शादी करने का दूसरा इसलिए या क्या है? डिवोर्स लेना क्यों जरूरी पड़ गया? क्योंकि नित्यम ने ही तो डिवोर्स पेपर्स भेजे थे, उनको सावी के साथ नहीं रहना था, क्योंकि उन्हें इनसे ऑलवेज लगता है कि सावी की वजह से उनके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, तो उनको सावी के साथ नहीं रहना है। तो क्या लगता है, शादी होगा या नित्यम फिर वापस लेके जाएंगे सावी को? कुछ टर्न ट्विस्ट क्या होने वाला, कुछ अंदर के बारे में बताओ अभी क्या होगा। देखो मैं इतना ही कह सकती हूँ कि मुझे ऐसे लगता है मेरी बेटी खुश रहे, सुखी रहे, इसलिए वो मानव के साथ शादी करे, क्योंकि मानव उससे प्यार करता है, और सावी को लग रहा है कि नित्यम उसको वापस बुलाए क्योंकि वो नित्यम से प्यार। आखिरी सवाल मुझे, मेरा कहना है कि आपकी एक बेटी जो सोनम है, सब प्लान तो उसी का है, गेम ऑफ प्लान तो चेंजेस वही है, तो आपको पता ही है? नहीं, नूतन को अब तक कुछ पता नहीं सोनम क्या कर रही है, नूतन को तो कभी भी पता नहीं रहता है सोनम क्या कर रही है। वो एक माँ है, जब उसको पता चलता है वो गलत है तो उसको डांट देती है, नहीं तो वो सोनम से प्यार करती है। थैंक यू जी, थैंक यू।